सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चलो अभियान, जैसे तमाम लाइनें आपने सुनी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों की शिक्षा को लेकर कई तरह के कदम उठा रही है, कई योजनाएं भी ला रही है ताकि कोई बच्चा शिक्षा पाने से पीछे ना रहे। हाल ही में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने श्रावस्ती से की, जिसके तहत लो लिटरेसी यानी कि उन जिलों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा जहां पर लो लिटरेसी है। बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर का नाम लो लिटरेसी जिले में आता है। इस अभियान की शुरुआत की गई, साथ ही सरकारी स्कूलों में छात्रों को बुनियादी सुविधा जैसे शौचालय, पीने का पानी, फर्नीचर, स्मार्ट कक्षाएं दी जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से सरकारी स्कूलों में परिवर्तन के लिए सरकारी स्कूलों के पूर्व छात्रों और निजी फर्मों के साथ सहयोग करने के लिए एक अभियान चलाने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग को अभियान के लिए कमर कसने और सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए थे, लेकिन कई जगहों से स्कूल की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे स्कूलों की दूसरी ही तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। स्वतंत्र भारत के बाद से ही देश की पूर्ण साक्षरता का सपना आज तक अधूरा रह गया। इस सपने को साकार करने के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन आज भी प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जिसकी जमीन पर सरकार का यह सपना नहीं पहुंचा, जहां आज भी छात्र छात्राएं निरक्षर, भारत साक्षर मिशन के लाभों और सुविधाओं से अछूते हैं। सूबे में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करने वाले सीएम योगी ने श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत जरूर की, लेकिन प्रदेश के कई जनपद ऐसे हैं जहां योगी सरकार के आदेशों का पलीता लगाया जा रहा है। एक ऐसा ही मामला चंदौली से सामने आया है, जहां बच्चों को दिए जाने वाले सैकड़ों जूते रद्दी में पड़े मिले। फैले हुए जूते, जूतों पर जमी हुई धूल, जूतों को नौनिहालों के पैरों का इंतजार, लेकिन कबाड़ में पड़े सरकार के पैसे और बच्चों के जूते। जहां बच्चों को बांटे जाने वाले सैकड़ों जूते कबाड़ में फेंके हुए मिले, लेकिन ये तो सिर्फ एक जनपद का हाल है। चलिए बुलंदशहर के स्कूल की सैर करते हैं, जहां पढ़ने लिखने की उम्र में छात्राओं के हाथों में झाड़ू थमा दिया गया, जिससे बच्चों के भविष्य में तो अंधकार हो ही रहा है, लेकिन स्कूल के शौचालय चमक रहे हैं। इस स्कूल में छात्राओं से शौचालय साफ कराया जा रहा है, जिसका वीडियो सपा नेता अनुराग भदौरिया ने ट्वीट कर शेयर किया है। पढ़ाई के बाद बच्चों की पेट पूजा का इंतजाम भी बाल विकास पुष्टाहार ने किया हुआ है, लेकिन बच्चों को मिलने वाले सोयाबीन तेल से बाजारों में पकोड़े तले जा रहे हैं। बच्चों के खानों से बाजारों में पार्टी हो रही है, जिसकी तस्वीर सीधे देवरिया से सामने आ रही है। उसके ठेले पर इस तेल के आधा दर्जन से अधिक पैकेट देखे गए। बच्चों की पढ़ाई से ही देश का भविष्य है, और अगर उन्हीं बच्चों की पढ़ाई से खिलवाड़ होगा तो हमारा समाज आखिर कैसे तरक्की करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। इस तरह की लापरवाही देखने के बाद सबसे पहला ख्याल मन में यही आता है कि हमारे प्रदेश का, हमारे देश का भविष्य क्या है। अगर बच्चे इस तरह के कार्य करेंगे तो शिक्षा से अछूते रह जाएंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। पहले उनकी मुलाकात मैं आपसे करा दूं। विवेक श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, मयंक यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, नूतन ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हैं जो एक समाज सेविका है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। अगर बात किया जाए शिक्षा की, तो आज के वक्त में शिक्षा एक सपना सा बनता जा रहा है, और वह उसकी एक ही वजह है लापरवाही। विवेक जी, सरकार की तैयारी पूरी है, लेकिन धरातल पर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, कौन जिम्मेदार है और रोकथाम कैसे किया जाए इसका? देखिए त्रिशला जी, सरकार की मंशा बहुत साफ है कि प्रदेश के हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर बच्चा स्कूल जाए, और हमारे उन विद्यालयों से पढ़ करके उत्तर प्रदेश का, भारत का भविष्य आगे बढ़ के निकले।
लेकिन जो समस्याएं आप दिखा रही हैं उन समस्याओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो समस्याएं जो आपने दिखाया उसके लिए आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद, जो सरकार का दृष्टिकोण आपने इस दिशा में खींचा। संदेह जो लोग इसके लिए जिम्मेदार होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। भारत का भविष्य विद्यालय में पढ़ने जाता है। अगर उन बच्चियों से झाड़ू लगवाया जा रहा है, शौचालय साफ करवाया जा रहा है, तो ये निसंदेह बहुत अच्छी बात नहीं है, इस पर कार्रवाई होगी। अब सही बात, जितना उत्तर प्रदेश की सरकार के ये प्राथमिक विद्यालय चाहे जूनियर हाई स्कूल में प्रशिक्षित अध्यापक हैं और जितना खर्चा इन विद्यालयों पर सरकार के द्वारा किया जाता है, केवल उसका उद्देश्य यही है कि हमारे नौनिहाल वहां से अच्छी पढ़ाई पढ़कर के अच्छी शिक्षा के साथ आगे निकले जी। उसमें जो भी रोड़ा बनेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सरकार अभी अपने शुरुआती मोड में है। पिछले कार्यकाल में हमने अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया था जी। और इस बार जिन विद्यालयों में, जिन जिलों में कम शिक्षा है, शिक्षा का अभाव है, उन जिलों को भी टारगेट करके वहाँ बच्चे समुचित संख्या में विद्यालय आए और पढ़े लिखें, आगे बढ़ें, उस दिशा में भी सरकार कार्य कर रही है जी। जो ये शिकायतें सरकार के सामने लाई जा रही, सरकार इस पे भी कार्रवाई करेगी, किसी को बख्शेगी नहीं जी। बिल्कुल मयंक जी, जिस तरह से सरकार की तैयारियां तो पूरी है, लेकिन धरातल पर जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, जैसे एक वीडियो बुलंदशहर से सामने आया, एक बच्ची शौचालय साफ कर रही थी, तमाम ऐसे वीडियो सामने आए हैं। अगर ये सिस्टम नहीं सुधरा तो बच्चों के भविष्य का क्या? सरकार की इतनी तैयारियों के बावजूद भी जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, सिस्टम सुधारने वाली सरकार ही है कि ये सिस्टम सुधर पाए, बल्कि ये सिस्टम लगातार बिगड़ता जाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार की तरफ से भी आदेश होते हैं कि जो प्राथमिक विद्यालयों के टीचर हैं वो सांड पकड़ेंगे, बच्चे उनके जो विद्यार्थी होंगे वो उनकी रस्सियां पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे तो आदेश सरकार की तरफ से आते हैं। तो इन जो आया होती है उनको क्या कहा जाए, जो अध्यापक होते हैं, जब सरकार ही ये सब करवाना चाहती है तो फिर इसको रोका नहीं जा सकता, बल्कि ये बढ़ेगा। और दूसरी चीज, प्राथमिक जो प्राइवेट शिक्षा है उसमें 10% की फीस बढ़ोतरी भी सरकार की तरफ से की गई है जी। तो ये इतने कोरोना जैसी महामारी, दो महामारी झेलने के बाद, तीन महामारी झेलने के बाद, नोटबंदी झेलने के बाद 10% की फीस बढ़ोतरी, आखिर अभिभावक ये भरेंगे कहाँ से? सरकार का तो, उनको तो जवान चलानी है, उनको भी उधर से टैक्स मिल रहा है। देखिए, जवान चला देने से कुछ नहीं भाई, जो अभिभावक अपने बच्चे की फीस भर रहा है उससे पूछिए कहाँ से लाएगा 10% फीस। उसके बाद जो किताबें हैं वो किताबें अदर पब्लिकेशन की हैं, आप थोड़ी किताबें यहाँ से लिए, थोड़ी वहां से लीजिए। ड्रेस आपको एक दुकान फिक्स है कि ड्रेस उसी दुकान से, अगर दूसरी दुकान से ड्रेस लाते हैं तो बच्चे को स्कूल नहीं आने दिया जाएगा। मोजा अगर दूसरी दुकान से लेके आते हैं तो बच्चे को उस मोजे में स्कूल नहीं आने दिया जाएगा। ये एक तरह से तानाशाही, मतलब इनकी एक चीजें, सरकार की चीजें फिक्स है कि हमें यहाँ से कमीशन मिलना है, ये दुकान फिक्स कर दी जाए। और भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, ये लोग व्यापारी किस्म के लोग हैं, ये लोग हर चीज का व्यापारीकरण करते, शिक्षा का व्यापारीकरण जो ये लोग कर रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय है। और कब तक निंदा की जाए, सबसे बड़ी चीज है निंदा कब तक की जाए। ये लोग सुधरने वाले नहीं है, ऐसे ऐसे आदेश आते हैं कि शर्म आती है कि हमारे उत्तर प्रदेश की ये सरकार है। खैर, इनसे कोई और उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्या क्या ही कहा जाए इन लोगों के बारे में। आप आदेश इन लोगों के सुन लीजिए कि कैसे कैसे आदेश देते हैं कि अध्यापक कान पकड़ेंगे। मैं जी, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, बात बच्चों के भविष्य की हो रही है तो हम बहुत ही शालीनता से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कई तरह की योजनाएं लाई गई है। हाल ही में स्कूल चलो अभियान जो है, जितने भी लो लिटरेसी जिले हैं, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर, सभी पे अभियान चलाया गया। आपने देखा होगा तस्वीरों में कि मुख्यमंत्री खुद वहां गए हैं, उन्होंने सीधा दिशा निर्देश दिया है अधिकारियों को, सांसद और विधायकों को, कि अगर वो केपेबल है तो स्कूलों को गोद लें। लेकिन ये जो कृत्य इस तरह की जा रही है वो
स्कूली के प्रशासन के द्वारा की जा रही है। सरकार तो कई तरह के फंड दे रही है, लगातार कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री, आपने देखा होगा कि श्रावस्ती में मुख्यमंत्री खुद गए थे, उन्होंने अपने हाथ से खाना खिलाया, लेकिन ये जमीनी स्तर की जो दिक्कतें हैं ना, ये जमीनी स्तर की दिक्कतें निकल करके सामने आ रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? जो टीचर्स इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं, प्रशासन, स्कूल प्रशासन जिस तरह की लापरवाही कर रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, प्रशासन तभी लापरवाही कर रहा है जब ऊपर के स्तर से लापरवाही करने के लिए कहा जा रहा है। भाई, स्कूल में जाके फोटो खिंचवा लेने से, बच्चे को खाना खिला के फोटो खिंचवा देने से व्यवस्था नहीं सुधर जाती है। इसके लिए बाकायदा आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, और जो तस्वीरें वीडियोज वायरल होते हैं, सरकार इनको बस उतनी देर के लिए जागती है जितनी देर के लिए वीडियो होती है, जितने सेकंड की वीडियो होती है सरकार, हाँ ये तो गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए, तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करके उसके बाद जाकर वो कमीशन के लिए देखते हैं कि स्कूल का ठेका, कॉपी किताब का ठेका किसको दिया गया है, स्कूल चलो अभियान का ठेका किसको दिया गया है। जो ये स्लोगन्स आते हैं, सबसे बड़ा खर्चा तो इन स्लोगन्स का होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 68% बजट तो खाली इसके प्रचार में खर्चा हो गया था। तो ये ऐसी ऐसी दुविधाएं, ऐसे ऐसे कृत्य सरकार कर रही है जो निंदनीय ही नहीं है, इनकी घोर घोर निराशावादी सरकार है ये। और ये हम कह दो ना कि सांड़ पकड़ने की जिम्मेदारी क्या अध्यापकों की है? भाई, एक सरकार का ये आदेश आप ले लीजिए, मतलब ये देखिए, जो बच्चों की तस्वीरें वायरल हो रही है कि वो बाथरूम साफ कर रहे हैं या झाड़ू लगा रहे हैं, चलिए एक बार तो मान लेते हैं कि बच्चों को वो गंदगी नहीं अच्छी लग रही होगी, क्योंकि सरकार की तरफ से जो अपॉइंट लोग होते हैं वो तो काम चोरी करते हैं, क्योंकि इस सरकार में काम चोरी का तो बिल्कुल एक स्तर बढ़ चुका है। तो बच्चों को भाई गंदगी नहीं अच्छी लग रही होगी, बच्चों ने अपने स्तर पर वो चीज साफ कर ली होगी। देखिये, साफ सफाई का भी बड़ा एक जो प्राथमिक विद्यालय में साफ सफाई है वो भी बहुत खराब व्यवस्था है उसकी, और जो मिड डे मील का ले लिया जाए, मिड डे मील की व्यवस्था तो उसके बारे में क्या ही कहा जाए। पोषण दिया जाता है छात्रों को और स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं, ये लोग सरकार बच्चों को कुपोषित कर देंगे जो खाना खिला रहे हैं जी। विवेक जी, बहुत सी ऐसी दुविधाएं हैं, लोगों को इनसे बचना चाहिए। बिल्कुल, और सरकार को बिल्कुल फोटो खिंचाने से कोई फोटो खिंचाने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी, उस पर लगातार मॉनिटरिंग करनी होगी। बिल्कुल विवेक श्रीवास्तव जी, विपक्षी पार्टी का सीधा कहना है कि सिर्फ फोटो खिंचवाया जा रहा है, किसकी गलती आप देखते हैं? इतनी तैयारियों के बाद, सरकारी की इतनी तैयारियों के बाद, इतनी योजनाओं को देने के बावजूद भी इस तरह की जो हरकतें की जा रही हैं, इस तरह के जो वीडियोस फोटोज बच्चों के सामने आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? विपक्षी पार्टी ने सीधा निशाना साधते हुए आप पर ये कहा है कि सिर्फ फोटो खिंचवाने से काम नहीं चलेगा, एक बार जा करके फोटो खिंचवाने या खाना खाने से काम नहीं चलेगा। देखिए तिसला जी, जैसा महंग जी ने कहा कि इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, सरकार के स्तर से लगातार इस सब चीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है। और जैसे लो लिटरेसी जिलों के आपने नाम लिए, श्रावस्ती, बहराइच, रामपुर, बदायूं, तो आप खुद समझ सकती हैं कि रामपुर और बदायूं किस पार्टी के लोगों से जुड़े जिले रहे हैं, लो लिटरेसी का वहां कारण क्या रहा। सरकार उन लोगों को भी चिन्हित करके वहाँ भी शिक्षा का स्तर बढ़े और बच्चे विद्यालय में आए, उसके लिए प्रयत्नशील है। और जितना बेसिक शिक्षा में सुधार सरकार ने पिछले कार्यकाल में किया, और इस बार भी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि दो साल कोरोना के कारण से सत्य बात है कि विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय ठीक से नहीं चल पाए, लेकिन अब कोरोना का वो इफेक्ट नहीं है, विद्यालय चल रहे हैं, और सरकार चाहती है कि बच्चे विद्यालय में आए, उनकी समुचित शिक्षा हो और हमारे होनहार पढ़ लिख करके आगे बढ़े। और इस रही बात बजट की, तो बजट की किसी भी सरकारी विद्यालय में कोई कमी नहीं है, सरकार के स्तर से बजट का भी पूरा प्रावधान है, सुविधाएं भी दी जा रही हैं जी। उन सुविधाओं का समुचित प्रयोग हो और उसका लाभ छात्रों को मिले, इसकी मॉनिटरिंग सरकार कर रही है। बिल्कुल विवेक जी, हम आपके पास
पास आएंगे। हमारे साथ समाज सेविका नूतन ठाकुर जुड़ चुकी है। नूतन जी, सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी है बच्चों की शिक्षा को लेकर, उनकी जो मिड डे मील है उनको लेकर, लेकिन धरातल पर जो तस्वीरें, जो वीडियो सामने आ रही है बच्चों की शौचालय साफ करते हुए, किस तरह से इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंच पाए? देखिए, सबसे पहले तो कहूंगी जो तस्वीरें हैं वो बहुत शर्मनाक है। बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं ना कि शौचालय साफ करने या वहाँ साफ सफाई करने। उसके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। जिस भी स्कूल में इस तरह का काम अगर कराया जा रहा है तो वो अपने आप में ही वो गंभीर चिंता का विषय है कि हम बच्चों को पढ़ाने स्कूल भेज रहे हैं या उनकी पढ़ाई हो रही है या उनसे क्या काम लिए जा रहे हैं, ये देखे जाने की जरूरत है। जो तस्वीरें सामने दिख रही हैं अब, और इसके साथ ही मैं कहूंगी कि जो बुनियादी चीज है उस पे भी ध्यान देने की जरूरत है कि क्या हम उतना इंचार्ज, जैसे शिक्षा की बातें कही जाती हैं, हर एक तक शिक्षा पहुंचे, बच्चियां पढ़े, खास करके बच्चियों को लेके वैसे भी घर वाले विद्यालय भेजने को तैयार नहीं होते हैं। उसमें अगर बच्ची जा रही है और अगर वो पढ़ नहीं रही, उनसे इस तरह के काम कराए जा रहे हैं और सही से ढंग से अगर कक्षाएं नहीं चल रही हैं तो फिर बच्चियां पढ़ेंगी कैसे? केवल स्कूल भेजना से ही छुट्टी नहीं हो जाती है, क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है। तो मुझे लगता है जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां भी इस चीज को देखे जाने की जरूरत है कि क्या हमने वो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर दिए हैं जिसपे एक ऐसे माहौल में बैठ के बच्चे पढ़ पाए और सीख पाए। क्योंकि अभी जितना मैंने देखा है, मेरा अनुभव है, बुनियादी चीजें बहुत कम है सरकार की। जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के नापे से टीचर्स हैं, टीचर्स की संख्या कम है, टीचर्स को अन्येतर कामों में भी कई बार लगाया जाता है पढ़ाई के बाद। तो टीचर की जो मुख्य भूमिका है, उनकी जिम्मेदारी अगर पूरी पूरी बच्चों को कैसे क्वालिटी एजुकेशन दे पाते हैं उस पे फोकस हो और एक ऐसा माहौल वहां तैयार किया जाए जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी नीडेड है। तो जब तक वो चीज नहीं प्रोवाइड कराई जाएंगी, नहीं होंगी, तो मुझे लगता है कि ये बातें जो है वो बुनियादी सहूलियत नहीं दे रहे हैं। तो फिर बाकी आप जो भी कर दीजिए, सही मायने में उन बच्चों का जो अधिकार है वो हम नहीं दे रहे हैं उनको। जी बिल्कुल। विवेक जी, अभी नूतन जी ने कहा कि बुनियादी जो सुविधा है पहले हमें वो देना चाहिए, बुनियादी स्ट्रक्चर हमें पहले वो तैयार करना चाहिए। तमाम तरह की योजनाएं ला देने से कुछ नहीं होगा जब तक बुनियाद मजबूत नहीं होगा। देखिए तसला जी, नूतन जी जो विषय उठा रही हैं, ये सत्य बात है कि पहले पूर्ववर्ती सरकारों में प्राथमिक शिक्षा के जो हमारे विद्यालय थे उनमें बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। शौचालय नहीं थे, पानी की व्यवस्था नहीं थी, विकलांग बच्चों के लिए रैंप नहीं थे, इतर तमाम दिक्कतें थी। धीरे धीरे पिछले कार्यकाल में हमारी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा और जूनियर हाई स्कूलों में इन समस्याओं का समाधान किया, पानी की टंकी लगवाई, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कराई, शौचालयों के निर्माण हुए, विकलांग बच्चे वहाँ विद्यालय में चढ़ सके उसके लिए रैंप की व्यवस्था बनी, ये सब तमाम बुनियादी सुविधाएं की गई। जहाँ बाउंड्री वॉल नहीं थी। सुनिए, आपने बात करी पिछले सरकारों की, ठीक है, पिछली सरकार इस सरकार में भी किया, मुख्यमंत्री जी ने कई योजनाओं को लाया, लेकिन फिर भी तस्वीरें, उसके बावजूद भी तस्वीरें तो सामने आ रही है ना। उन्होंने पूरी व्यवस्था दी, सारी योजनाएं दी, लेकिन फिर भी जो तस्वीरें सामने आ रही है उस पर क्या कहेंगे आप? किस तरह की कार्यवाही आप देखना चाहेंगे जो स्कूल का प्रबंधन है उसके खिलाफ, कि इस तरह की तस्वीरें ना सामने आए, सरकारें चाहे कोई भी हो? विवेक जी देखिए, मेरी बात, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ तिस्ला जी, बताइए। देखिए, बुनियादी सुविधाएं पहले विद्यालयों में नहीं थी। आज आप शौचालय साफ करने की बात उठा रही हैं, पहले विद्यालयों में शौचालय ही नहीं हुआ करते थे, पहले विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था नहीं होती थी, बच्चों को पानी पीने के लिए दूर किसी प्रधान जी के दरवाजे पे जाना पड़ता था, वहीं से पानी भर के आता था, उसी से अध्यापिकाएं भी पीती थी, कहीं मटकी में रख उठता था, बच्चे भी पीते थे। पूर्ववर्ती कार्यकाल में हम लोगों ने स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की, पानी की टंकी की व्यवस्था की, शौचालय निर्माण कराए, रैंप निर्माण कराए, जहाँ विद्यालयों की बाउंड्रियाँ टूटी थी उनकी बाउंड्री निर्माण कराए, बाउंड्री पे बच्चों के लिए जो प्रेरक व चित्रकारियाँ भी करवाई गई, ये सब तमाम चीजें विद्यालयों में कराई गई। अब जो जो समस्या आपने उठाई है ये किसी विद्यालय की
जहाँ की समस्या वहाँ के कर्मचारियों अध्यापकों के चलते ये समस्या और चीजें गिनवा देती हूँ। एक तस्वीर सामने आई है, अभी आपने थोड़ी देर पहले हमारे रिपोर्ट में देखा था कि जो तेल होते हैं जिससे खाना पकाया जाता है बच्चों के मिड डे मील का, उसके कई पैकेट एक थैले पर मिले हैं, पकोड़े तले जा रहे थे बच्चों के मिड डे मील वाले तेल से जिससे उनका खाना पकता है। एक और तस्वीरें सामने आई है जिस पर जो बच्चों के जूते होते हैं विवेक जी, वो एक भारी मात्रा में पड़े हुए थे, उनपे धूल जम रहे हैं। एक ही तस्वीर सामने नहीं आई है, कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। बात यहाँ पे सरकार की नहीं है, बात यहाँ पर प्रबंधन की है, किस तरह से जो थोड़े निचले स्तर पर अधिकारी हैं वो किस तरह से घोटालेबाजी कर और उन पे किस तरह से कार्रवाई की जाए, किस तरह से उन पर रोक लगाया जाए कि सरकार के जो सपने हैं उन पर पलीता ना लगाए। बात उनकी हो रही है, सरकार की नहीं। विवेक जी, उन पर किस तरह की कार्रवाई देखना चाहते हैं आप? देखिए त्रिशला जी, जो आपने खाद्य तेल की बात उठाई जी, ऐसी तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए लखनऊ में अक्षय पात्र योजना का सहारा लिया गया, जिससे विद्यालयों में भोजन की व्यवस्था की जाती है। सरकार आगे इस योजना को अन्य जिलों में भी अन्य संस्थाओं के माध्यम से प्रयोग करने का मन बना रही है। और रही बात जो जूते आपने बताया कि उसमें धूल पड़ी हुई है, धूल खा रहे हैं, ये प्रबंधन की या के कर्मचारियों की व्यवस्था का समस्या, इस पर सरकार कार्रवाई करेगी कि जो जूते हैं, जो ड्रेस है, जो स्वेटर है, वो समय से बच्चों को उपलब्ध हो और ऐसी नौबत ना आए। जो भी लोग इसके लिए दोषी है, किसी को सरकार बख्शेगी नहीं। एक एक पाई पाई का हिसाब सरकार रखेगी और वो पैसा हमारे नौनिहालों तक पहुंचे, नौनिहालों के काम आए। सरकार की मंशा यही है और जो इस मंशा में रोड़ा बनेगा सरकार उसको बख्शेगी नहीं। हम आपके पास आएंगे नूतन ठाकुर। अगर बात किया जाए लोगों की, तो लगातार अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से सवाल किया जाता है तो वो उठा करके उसकी सरकार और इसकी सरकार पर डाल देते हैं। इसकी सरकार उसकी सरकार के चक्कर में जो बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रहा है उसकी जवाबदेही क्या होगी? देखिए, मैं ये कहूंगी कि भले जो कहा जा रहा है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किए और पहले शौचालय नहीं थे, तो एक तो सबसे शर्मनाक बात है कि शौचालय स्कूलों में नहीं थे, सार्वजनिक जगह पे। लेकिन अगर बनाया गया उसके बाद ये भी देखे जाने की जरूरत थी कि अगर हमने शौचालय बनाया है तो उस जगह पे किसी की नियुक्ति भी होनी थी जो शौचालय सफाई कर्मी की, जो शौचालय की सफाई करें, विद्यालय की सफाई करें। वहाँ अगर ये हम उम्मीद करें कि हमने स्कूल में शौचालय नहीं था, हमने बनवा दिया, तो बच्चे उसकी सफाई करें, ये किसी तरीके से उचित नहीं है, क्योंकि वो पढ़ने गए हैं। टीचर सफाई नहीं करेंगे शौचालय की, क्योंकि उनकी ड्यूटी बच्चों को पढ़ाने की है, शिक्षा देने की है, ना कि सफाई कर्मी की ड्यूटी है। हर काम के लिए एक पद बना हुआ है, वहां नियुक्ति होनी चाहिए। तो तमाम जगहों पे अगर देखिएगा आप तो सरकारी विद्यालयों में दो अध्यापक, एक प्रधान अध्यापक, एक अध्यापक, एक शिक्षा मित्र, तीन लोगों से काम चलाया जा रहा है। इधर कुछ भर्ती हुई तो इधर के डेटा मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जो स्थिति थी वो इतने ही की थी। तो ऐसे में अगर प्राइमरी विद्यालय की बात करें तो कक्षा एक से पांच तक एक शिक्षा मित्र और दो टीचर के भरोसे पे आप ये सोच सकते हैं कि आप किस क्वालिटी की शिक्षा बच्चों को दे पाएंगे, क्योंकि वहाँ जो और तभी निकल के आता कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में शोषित होते हैं, शोषण का शिकार होते हैं आर्थिक रूप से भी, उसके बाद भी पढ़ाने को मजबूर है। जबकि अगर सरकार ने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है तो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में एक बच्चों के लिए जैसे बिल्डिंग बनाने की बात हो गई, बच्चों के बैठने के लिए विद्यालय में टेबल कुर्सियां होनी चाहिए हर बच्चे के लिए, जिसपे उनको लगे कि हम जैसे जो एक प्राइवेट स्कूल्स में माहौल दिया जाता है, धीरे धीरे मुझे लगता है वहां तक लाने की, हर कक्षा के लिए एक अध्यापक होने की जरूरत, जो सर्व शिक्षा अभियान, ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, वहाँ 30 बच्चों पे एक टीचर की बात कही गई है, क्या वो सारी चीजें हम दे रहे हैं? क्योंकि आप स्ट्रक्चर ढांचे से बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, शिक्षा तो अध्यापक देंगे, टीचर होंगे, जब पढ़ाई होगी उससे मिलेगी। जैसे अगर बहुत पहले की बात करेंगे अगर आप, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के टाइम में, आजादी के बहुत पहले की, जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लोग बाहर खुले में भी पढ़ते थे, लेकिन जो पढ़ाई की क्वालिटी होनी चाहिए बच्चों को वो दिया जा रहा है, क्या उस जगह भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है मजबूत की पढ़ाई के लिए हमने टीचर रखे हैं और इस तरह के काम बच्चों को ना करने पड़े?
कि वो शौचालय साफ कर रहे हैं, वो पढ़ने गए तो पढ़ाई हो, तभी माता पिता अपने बच्चों को वहां भेजेंगे पढ़ने के लिए। बिल्कुल नूतन जी, मयंक बात बच्चों के शिक्षा की चल रही है, छोटे बच्चों के शिक्षा की। हम अक्सर यही करते हैं जब कोई सवाल उठता है या फिर किसी बच्चे कुछ स्कूल में बच्चों के साथ गलत होता है, उनके मिड डे मील के साथ कोई खिलवाड़ होता है, उनके यूनिफॉर्म के साथ खिलवाड़ होता है, तो हम आपस में लड़ जाते हैं, हम राजनीतिक पार्टी बनकर एक दूसरे पर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि अभी विवेक जी ने कहा कि पिछली सरकारों में तो शौचालय ही नहीं था, हमने शौचालय बनवाया, अरे शौचालय इसलिए तो नहीं बनवाया ना कि वो सफाई करे। लड़ने के बजाय क्या हमें एकजुट होकर ये जो कमियां हैं वो सरकार तक नहीं पहुंचानी चाहिए कि सरकार इतनी योजनाएं दे रही है, इतना फंड दे रही है, फिर भी ऐसी हरकतें सामने आ रही है, तो एकजुट होकर ये सरकार तक बात पहुंचाने का वक्त है या फिर आपस में लड़ाई करके बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का वक्त है? देखिए पहली चीज तो एक बात मैं बता दूं, जो प्रवक्ता महोदय भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे कि पिछली सरकारों में ना पानी था ना शौचालय था, तो इन लोगों को ये लगता है कि ये दुनिया ही 2014 के बाद शुरू हुई है और 2017 के बाद से शुरू हुआ है। खैर इनकी बातों को तो छोड़िए, इन लोगों की तो मानसिकता यही बस यहीं तक सीमित रह गई है। और बात अगर आती है बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की, गुणवत्तापूर्ण खाना देने की, और सरकार बजट देती है, नई नई योजनाएं लाती है, अच्छी चीजें हैं कई सरकारों ने, समाजवादी पार्टी सरकार भी लाई, बहुजन समाजवादी पार्टी की भी सरकार लाई, कांग्रेस भी लाई, जो भी सरकारें रही वो सभी सरकारों ने बजट दिए, नई नई योजनाएं लॉन्च की। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ज्यादा ही योजनाएं लॉन्च कर दी, ये भी अच्छी चीज है। लेकिन अगर बात आती है अगर इतनी योजनाएं लॉन्च होने के बाद भी स्थिति पिछली सरकारों से भी बदतर है, तो ये कमी प्रबंधन की नहीं, ये कमी सरकार की है। क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, मैंने आपको बताया कि 68% बजट जो है वो सिर्फ उस प्रचार में ही खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे जितने भी बजट आए हैं सबसे ज्यादा उन स्लोगन्स के पोस्टर लगने में, दीवारों पे लिखने में, टीवी चैनल्स पर दिखाने में, न्यूज़पेपर्स में दिखाने में इतना बजट खर्चा होता है कि वो बजट स्कूलों तक पहुंच ही नहीं पाता है, मैनेजमेंट तक। अच्छा मैनेजमेंट की बात अगर आती है कि स्कूल में बच्चे सफाई कर रहे हैं, तो भाई वहां पर सफाई कर्मी भी तो सरकार द्वारा अलॉट किया जाता है ना, वो सफाई कर्मी कहाँ था भाई? उस सफाई कर्मी का पैसा किसके पास जा रहा है? वो सफाई कर्मी का पैसा कौन ले रहा है? उसकी सैलरी कौन ले रहा है? ये चीजें, ये गलती किसके प्रबंधन की नहीं, ये सरकार की गलती है। सरकार मॉनिटरिंग नहीं करे, सरकार जो बजट आता है उस बजट में ऊपरी तौर पर ही जितने भी सीनियर अधिकारी होते हैं या सरकार के मंत्री होते हैं वो आपस में बजट का बंदर बांट कर लेते हैं और योजनाएं बस उनका प्रचार हो जाता है। प्रचार के मामले में तो देखिए, योजनाएं और लागू करने में, प्रचार लाने में, बोलने में, देखिए चमड़े की जबान है, बोलने में कुछ नहीं जाता है। बजट जो आता है जनता के टैक्स से बजट आता है, उसमें बंदर बांट हो, सरकार का जाता क्या भाई? सरकार को तो फायदा ही हो रहा है, उनको वोट नहीं मिल रहा है, उनको पैसा भी, भाई गुजराती लोग हैं। देखिए सीधी अभी आप कह रहे हैं कि सरकार को ब्लेम ना करके अधिकारियों को ब्लेम करके क्या मिलेगा हमको भाई? अधिकारी एक आध तो सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन मयंक, सरकार तो नहीं जाती है, हर जगह यही समस्या है। क्या आप पूरे प्रदेश के अध्यापकों को सस्पेंड कर देंगे? पूरे प्रदेश जितने भी अध्यापक है सबको सस्पेंड कर देंगे? अरे एक सरकार को सस्पेंड करिए, सब लाइन पे आ जाएंगे। कार्रवाई किया जाए उनके ऊपर, मैं ये नहीं कहा जा रहा है। अरे कितने लोगों पे कर, मैडम मैं यही कह रहा हूँ, कितने लोगों पे आप कार्रवाई करेंगे भाई? रसोइये पे कार्रवाई करेंगे, अध्यापकों पे कार्रवाई करेंगे, सफाई कर्मी पर? भाई कितने स्कूल है पूरे प्रदेश में, आप किस पर कार्रवाई करेंगे? जब सरकार ही नहीं चाहती है कि वो चीजें हो तो प्रबंधन कहां से कर लेगा? वो अपने घर से लाके थोड़ी कर लेगा, अपनी जमीन बेच के थोड़ी कर देगा के, या उसको जो सैलरी मिल रही है उससे थोड़ी कर देगा? भाई सैलरी तो सबको मिल रही है ना, और उसका बहुत, जो योजना लॉन्च होती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कमीशनखोरी में जाता है। तो भाई जब कमीशनखोरी होगी तो योजनाओं का लाभ बच्चों को मिलेगा ही नहीं। और इस सरकार ने योजनाएं जो लॉन्च की सिर्फ और सिर्फ कागजों पर है। हकीकत में जो भी लोग अभी मैडम नूतन ठाकुर जी हैं, समाज सेविका हैं, ये भी बहुत अच्छी तरीके से जानती होंगी कि इस सरकार में क्या हो रहा है। ये लोग तो भुक्तभोगी हैं, सरकार इन लोगों के साथ क्या क्या कर रही है। तो मैं इन चीजों पर नहीं आना चाहूंगा। देखिए बात आती है सरकार को ब्लेम कर रहे हैं या प्रबंधन को, भाई प्रबंधन कोई अलग से नहीं आता है कि वो प्राइवेट स्कूल नहीं है, वो सरकार द्वारा ही नियुक्त लोग हैं। जब सरकार चाहती है वो अच्छा करते हैं, सरकार चाहती है तो वो गलत काम करते हैं।
तो भाई एक सरकार को सस्पेंड कर रही है पूरे प्रदेश के अध्यापकों को सस्पेंड करने में, सफाई कर्मियों को सस्पेंड करने में, जो आया होती है उनको सस्पेंड करने की जरूरत ही नहीं, सब लोग सुधर जाएंगे, सब लोग टाइम टू टाइम पहुंचेंगे और जो भी गुणवत्तापूर्ण तो चीजें स्कूल पहुंचनी चाहिए चाहे वो खाद्यान्न सामग्री हो। मयंक जी आपको लगता है कि इनसे इनसे लाख गुने बेहतर था, इनसे लाख गुने बेहतर था, इनसे अच्छा था, ठीक, इनसे बहुत अच्छा था। इतनी योजना शिक्षा की हो रही है, तस्वीरें हर सरकार में ऐसी सामने आई है, किसी एक पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं है, तस्वीरें हर सरकार में ऐसी सामने आई है। इतने तरह के बजट नहीं थे ना उन सरकारों में, हर चीज का बजट होता है, रैम का अलग होता है, दीवार पे दो कलर होंगे उन दो कलर्स का अलग होगा, एक भगवा कलर होगा, एक जो भी भारतीय जनता पार्टी कलर है उनका कलर होगा, उसका बजट अलग होता है, ठीक है। और इनके जो घटक दल हैं उनके जो पेंटिंग्स होती हैं उनका अलग होता है। तो देखिए इतने बजट होते हैं कि वो शिक्षा का बजट रही नहीं जाता है, वो प्रचार बजट हो जाता है। बिल्कुल विवेक श्रीवास्तव जी, क्या ये सच्चाइयां हैं, इन सच्चाइयों को एक्सेप्ट करना चाहिए, सीधे सरकार से सवाल करना चाहिए, वहां के प्रबंधन अधिकारियों या अध्यापकों से सवाल नहीं करना चाहिए, सरकार से सवाल होना चाहिए कि ये बजट आ रहा है, इस बजट का आपने क्या किया, कौन से स्कूल में कितना बजट लगा। विवेक श्रीवास्तव जी, सीधा विपक्षी पार्टी का निशाना है आप पे कि जो योजनाएं आती हैं उसका बंदरबांट होता है। योजनाएं तो आती हैं, सरकार की तरफ से फंड दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, लेकिन उसका बंदरबांट होता है। और इसकी किस तरह से जांच की जाए विवेक जी, क्योंकि जिस तरह से बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ये बेहद ही निंदनीय है। देखिए त्रिशला जी, जहां तक सरकार के स्तर पे बजट का प्रावधान है जी, तो सरकार के स्तर से बजट पूरा पूरा जाता है विद्यालयों को और ये प्रयास होता है कि उसका समुचित प्रयोग हो। आधार कार्ड बच्चों का अनिवार्य किया गया है सारे प्रवेश में, ताकि उनको ड्रेस की सुविधा, जूते की सुविधा और तमाम सुविधाएं उनको मिल सके, उसमें कहीं कोई हेरा फेरी ना हो सके, इसीलिए बच्चों के आधार कार्ड मांगे जाते हैं प्राथमिक शिक्षा में भी। इसके बावजूद भी जहां कहीं इस तरह की शौचालय से जुड़ी शिकायतें आ रही हैं, इस पे सरकार गंभीरता से कार्रवाई करेगी। शौचालय की सफाई के लिए भी सरकार की तरफ से बजट आवंटित है, अब वहां किन कारणों से ऐसी नौबत आई कि कर्मचारी नहीं रहा या क्या दिक्कत रही, इस पे सरकार जांच करके कार्रवाई करेगी जी। सरकार ने हर चीज के लिए बजट का प्रावधान कर रखा है, इसके लिए प्रधानाचार्य मौके पर जिम्मेदार है विद्यालय के, और स्थानीय स्तर पर उसको देखने के लिए ग्राम प्रधान भी जिम्मेदार हैं। जी बिल्कुल। नूतन ठाकुर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से आपने पूरी कन्वर्सेशन सुनी कि जिस तरह से लगातार एक दूसरे पर डाल दिया जाता है, आरोप एक दूसरे पर लगा दिया जाता है, जिम्मेदार ये है, जिम्मेदार वो है, कब तक ऐसे हालात रहेंगे? देखिए मुझे लगता है कि कुछ तो व्यावहारिक समस्याएं हैं और कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान किया जा सकता है अगर पारदर्शिता हो चीजों में। उदाहरण के तौर पे जैसे आपने कहा बच्चों के जूते फेंके हुए थे, आप इस चीज को समझिए कि अगर प्राइमरी विद्यालय में बच्चों के लिए जूते या यूनिफॉर्म आते हैं तो वो बढ़ती उम्र के बच्चे होते हैं, अगर खरीदारी हुई और 3 या 4 महीने बाद अगर उनको वो दिया भी जाएगा तो वो बड़े हो जाते, तो या तो वो कपड़े उनको छोटे हो जाएंगे या बहुत बड़े हो जाएंगे, जूते जो होंगे वो नहीं आएंगे। तो जब नहीं आएंगे, छोटे हो गए अगर या बड़े हैं, वो नहीं पहन पाएंगे तो वो किसी काम के नहीं रहते। बेहतर तो होता कि अगर स्कूल में अगर जितने बच्चे हैं जब सेशन खुले उसी समय में उनको वो चीजें, उसका विद्यालय खुलने से 10 दिन पहले एक बार बच्चों की नापी करा के कि उनके साइज क्या है, किस साइज के कितने बच्चे हैं, किस साइज के जूते आएंगे या यूनिफॉर्म का साइज क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग अगर तुरंत उनको वो चीजें मुहैया करा दी जाए तो बर्बाद भी नहीं होगा, बच्चों तक वो चीजें पहुंचेंगी भी। अभी हो रहा है कई बार वो चीजें खरीदारी भी होती, बच्चे उसका लाभ भी नहीं उठा पाते और सरकारी धन का मैं कहूंगी दुरुपयोग और बंदरबांट होता है, क्योंकि जिसके लिए आप जो खरीद रहे हैं वहां तक पहुंच ही नहीं रही है चीजें। यही चीज कई बार किताबों के मामले में भी होती है कि जब सेशन शुरू होता है तो बच्चों को किताबें नहीं मिल पाती है, आधा सत्र निकल जाता है उसके बाद किताबें पहुंचती है विद्यालय तक जाते जाते। तो इन चीजों को बड़ी आसानी से अगर प्लान्ड वे में किया जाए तो सुधारा जा सकता है, लेकिन बात वही आ जाती है कि जब बल्क खरीदारी की बात होती है तो कहाँ हमको कमीशन ज्यादा मिलेगा, बजट कहाँ होगी, समय पे जब चीजें आप नहीं करवाते हैं
तो उसका खामियाजा सीधा सीधा बच्चों को जाता है। तो इन चीजों को, क्योंकि आप सारे विद्यालय वो इसी तरह की चीज है कि आप हॉस्पिटल खड़ा कर दीजिए, इक्विपमेंट डाल दीजिए, लेकिन डॉक्टर नहीं रखिए, तो वो आपके किसी काम का नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से बच्चों के लिए भी, जो बच्चे हैं उनकी बुनियादी जरूरत क्या है, एक यूनिफॉर्म में बच्चे साफ सुथरे लगते हैं, हर एक को एक भावना की फीलिंग आती है कि सब बराबर है, तो इसके लिए यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट है। अगर टाइमली अफोर्ड नहीं कर पा रहा है वो परिवार और आप दे रहे हैं, तो अगर समय पे वो चीजें देंगे तो उपयोग भी होगा उसका। अभी हो रहा है, खर्च भी हो रहा है, बजट भी दे रहे हैं और बच्चों तक पहुंच भी नहीं रहा है, जिसका सीधा उदाहरण जो तस्वीरें आपने दिखाई उससे दिख रहा है। और टीचर जो है उनको अगर शिक्षा के काम पे लगाया जाए, उनकी जो जिम्मेदारी है उस पे लगाया जाए, तो वो शायद बेहतर परफॉर्म कर पाए। लेकिन अगर एक जगह छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ एक टीचर से अगर या दो टीचर से ये उम्मीद की जाए कि वो एक से पांच तक के पूरे कक्षे को एक ही समय में देख लेंगे, संभाल लेंगे, तो वो बच्चे संभाल सकते हैं, लेकिन वो क्वालिटी जो उनको शिक्षा की मिलनी चाहिए वो जो बता रहे, क्योंकि हर बच्चे क्लास वन का सिलेबस कुछ और है, टू का और है, थ्री का और है, और हर बच्चे की सीखने की एबिलिटी भी अलग अलग होती है। तो उन चीजों को जब तक ध्यान नहीं देंगे आप, तब तक ये जो कहना है कि हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, वो आप खाना पूर्ति तो हो सकती है, लेकिन वो सही मायनों में बच्चे तक वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा है। जी बिल्कुल नूतन जी। विवेक जी, एक बहुत ही एक बड़ा मुद्दा है ये, शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि मैं कॉमेंट आपसे चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आई है, आपको लगता है कि सरकार द्वारा दी गई फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसकी कड़ी जाँच होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल मैं नूतन जी की बात से सहमत हूँ कि सरकार द्वारा फंड तो दिया जा रहा है, लेकिन वो उचित समय पे उचित पात्र तक पहुँचना चाहिए। यदि इसमें व्यवधान आ रहा तो निसंदेह उसकी जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार के स्तर पे सुनिश्चित होना चाहिए कि बच्चों को विद्यालय में प्रवेश के समय ही ड्रेस और उसके पाठ्यक्रम की किताबें उपलब्ध हो जाए। ये पता चला आधा सत्र बीतने के बाद अगर उसे किताबें मिल ले तो उसका कोई मतलब नहीं है। जी, ये वास्तव में होना चाहिए और सरकार इस दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है। बिल्कुल विवेक जी, आप सारी बातों को एग्री कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे ये भी कि एक बार रिक्वेस्ट किया जाए कि बड़ी कड़ाई से जांच हो इसकी। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना इन सब चीजों को, बैठ करके यहाँ पे जो बातें कही गई हैं, जो खिलवाड़ बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा है, तो मैं चाहूंगी कि एक बार रिक्वेस्ट करें, अपने ट्विटर के माध्यम से ही ट्वीट करें कि इन जो सभी जो तस्वीरें बच्चों की सामने आई हैं उनकी समस्याओं को हल किया जाए, सुरक्षा व्यवस्था को अच्छा किया जाए, ताकि इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो अंधकार में ना जाए। मयंक यादव, मैं आपसे आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है और जो इल्जाम है वो दूसरों पर मढ़ दिया जा रहा है, किस तरह से इसका निजात मिलेगा? क्योंकि इस तरह से हम आपस में लड़ते रहेंगे और हमारे जो देश का नींव है, देश का नींव जो है बच्चे हैं, वो शिक्षा से अछूते रह जाएंगे। देखिए, जो स्थिति आज है जी, यही स्थिति आने वाले दो सालों बाद भी अगर इसी मुद्दे पर हम और आप बैठ कर चर्चा करेंगे तो इतनी ही रहेगी, हो सकता है इससे बदतर हो जाए। क्योंकि व्यापारी को सिर्फ अपने व्यापार से मतलब होता है, ये लोग समाज की सेवा के लिए नहीं वहां पे बैठे हुए, ये लोग सिर्फ अपना व्यापार कर रहे हैं और व्यापारी का कोई और धर्म नहीं होता है। तो ये लोग शिक्षा का सिर्फ और सिर्फ व्यापारी कर रहा है। चाहे वो चाहे वो बच्चों की ड्रेस को लेकर व्यापारी बता रहे हैं या बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह को व्यापारी बता रहे हैं, दोनों लोग जनता के जनमत से प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं। और ऐसे जनमत को व्यक्ति को अगर इस तरह भैया आपके हिसाब से समझ गए, आपके हिसाब से दुनिया 2014 में शुरू हुई है, मानने में पहली बात हम समझ गए, आपके हिसाब से दुनिया ये 2014 में शुरू होती है, बात पूरे शिक्षा की हो रही है। मैं साफ शब्दों में आ रहा हूं, आपके शिक्षा मंत्री पर बार बार एक चैनल बैठ के अपमानित करने वाली बात बोलने की सही है के उन क्षेत्र उम्मीद कर रहा हूं क्या कायम है, सकारात्मकता से रहिए और आप सकारात्मक उपज की भूमिका निभाइए। अगर आपने कोई समस्या उठाई है हम समाधान के लिए जिम्मेदार हैं, हम कह रहे हैं कि हम उसका समाधान करेंगे। तिसरा जी ने जिस समस्या का को उठाया है आपको अध्ययन नहीं कर पाए, पांच सालों में आप अध्यापकों की नियुक्तियां नहीं कर पाए, सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियां सिर्फ
सिर्फ बिल्डिंगें बनवाते रहे, लेकिन कलर कहीं दिखते नहीं है। बाउंड्री वाल भी बनाई गई है, लेकिन बच्चों का लोगों ने कब्जा करके चारागाह बना लिया है, बच्चों तक नहीं बिक रही है। तो ये व्यापारी दिशा भी सुधरेगी, व्यापारियों को गालते में रही है, व्यापारीकरण बंद करके आप लोग विद्यालयों की दशा सुधरी है, शिक्षा की भी दशा सुधारेंगे, और उसको सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बजट सुधर गया कि नहीं, बजट सुधर गया कि नहीं, बजट भी सुधरा, शिक्षा भी सुधरेगी। ये आप लोगों की तरह कार्रवाई नहीं होगी कि जैसे बना लिया था आप लोगों ने। अरे कमीशन की बात गई विद्यालयों की, उनकी जमीन अवैध छुड़ाई गई है। अरे सुन लीजिए, दिल्ली और गुजरात कितना कितना कमीशन जाता है, दिखाई सुधरे आप परेशान ना हो। यूपी की शिक्षा के बजट से दिल्ली और गुजरात कितना कितना बजट जाता है, नकारात्मक बातें बैठ करके मत करिए। उत्तर प्रदेश मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं, शिक्षा का व्यापारीकरण आप लोग बंद कर दीजिए, बच्चों के शिक्षा से आप लोग खिलवाड़ बंद कर दीजिए। ये जो वीडियोस आती हैं ये बहुत ही मार्मिक, आपके बच्चे तो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, लेकिन हम लोग प्राथमिक विद्यालयों से पढ़ के आए हैं, हम लोग की स्थितियों को जानते हैं। आज भी जब गांवों की तरफ निकलते हैं, स्कूल चला रहे जो समस्या तुसला जी ने उठाई है, सरकार उसको गंभीरता से लेकर उस पर कार्रवाई करने के लिए संकल्पित है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप नकारात्मक बातें कर रहे हैं, नकारात्मक कार्य कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोग तो कार्य नकारात्मक कर रहे हैं जी भाई, कार्य नकारात्मक करिए, हम नकारात्मक करिए, हमें आप मौका ही क्यों देते हैं कि हम बातें करें, सकारात्मक करिए, आप मौका ही क्यों देते हैं, आपकी कार्य शैली नकारात्मक से कुछ नहीं होगा। भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा बेहद जरूरी है, अगर हमें राष्ट्र को मजबूत करना है तो हर किसी को शिक्षा देना होगा। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, बच्चे शिक्षा नहीं लेने स्कूल जा रहे हैं, शौचालय साफ करने स्कूल जा रहे हैं, जिम्मेदार कोई भी हो इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। ठीक है नूतन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, अगर हम मुद्दों पे बात करते हैं तो दोषारोपण होने लगता है। एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगी कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो। देखिए मैं ये कहूंगी कि जिस दिन हम अपनी कमियों को मान लेंगे, इस चीज को समझेंगे कि ये कमी हो रही है, तो निश्चित रूप से उस व्यवस्था में सुधार आएगा, लेकिन जब हम उसको डिफेंड करेंगे तो स्थिति वही रहेगी। जी बिल्कुल, मैं एक फाइनल कमेंट कहां डिफेंड कर रहा हूं, मैं तो इनके द्वारा उठाई गई समस्या करता हूँ, इतने कर्मचारी शासकों को और जो आया होती उनको सस्पेंड करने के सिवाय सरकार को सस्पेंड किया, क्योंकि ये सरकार ही नहीं चाहती है कि ये शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो। वो अपने कमीशन खोरी के चक्कर में वो लोग शिक्षा का व्यापारीकरण कर रहे हैं। ये जो असुविधा है ये ऊपर स्तर से ही है, ये वहीं सुधरनी चाहिए। अध्यापक क्या कर लेंगे भाई, उनकी जो 20-25 हजार रुपए की सैलरी होती है वो क्या करेंगे, वो कहेंगे मेरा काम तो हो रहा है, मुझे तो सुबह 10 बजे आना है, और जो जब भी स्कूल का टाइम खत्म होता है 1:30 बजे मुझे तब जाना है। बाकी जो सरकार को देखना है ना, उनका तो भाई बजट का मामला है मेन चीज। ये व्यापारीकरण बहुत गलत तरीके से चल रहा है। इतनी योजनाएं हैं, अगर योजनाओं पे कभी कभी अगर पेपर उठा के देख लीजिए और उसको जाके हकीकत की जमीन पर देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। जी बिल्कुल, आज की चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ करके सामने आता है कि जो सपने हैं भीमराव अंबेडकर के, वो सपने कैसे पूरे होंगे अगर हालात यही बने रहे। आप सभी का, विवेक श्रीवास्तव जी, मयंक यादव जी, नूतन ठाकुर जी, आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, जैसे तमाम नारों से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हम एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहेंगे कि इसकी जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी, उस सरकार की जिम्मेदारी, तब तक शायद हमारा शिक्षा का जो व्यवस्था बेकार हो चुका है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं, शौचालय साफ करते हैं। हमने एक तस्वीर देख ली सामने, एक प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर निकल करके सामने आ गई, लेकिन तमाम स्कूल, तमाम प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां की तस्वीरें ही नहीं सामने आ पाती है। मुद्दा यह है कि जांच का एक अहम मुद्दा है,
इस पर जांच करनी चाहिए और जो भी जिम्मेदार निकलता है जिसकी वजह से इस तरह की चीजों का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिसके बाद ही, और अगर ऐसा होगा उसके बाद ही शायद हर किसी को सबक मिलेगी और हमारे देश का हर एक बच्चा शिक्षा पा पाएगा। इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।